न्यूजीलैंड में हुए आतंकवादी हमले में शेयर के पिता और पुत्र लापता होने को लेकर परिवारजनों ने सांसद से गुहार लगाई थी। न्यूजीलैंड की दो मस्जिद में आतंकवादी हमला हुआ है। इस हादसे को लेकर बड़ोदरा शहर के पिता और पुत्र लापता होने की बात को लेकर परिवारजन परेशानी में थे और परिवारजन ने सांसद रंजन भट्ट को मुश्किल बताई थी। सांसद ने केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय में बात करते हुए बताया कि सोमवार तक परिवारजन को वीजा प्राप्त होगा। इसके बाद परिवारजनों को संतोष मिला था और सांसद रंजन भट्ट का शुक्रिया अदा व्यक्त किया था। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में जो शुक्रवार गुजारी घटना घटी है मस्जिद में फायरिंग थे मारा भाई हरीफ भाई मारा बत्री जो रमेश जो मिसिंग होवा बतावे पर अमने कोई अपडेट मिली नहीं। आज 24 कलाक त्या बची गए अमने कोई त्याना समाचार सगर समाचार मिले नहीं। से अं माननीय रंजनबेन भट्टनी ऑफिस में आया है और कौशिक भाई पटेल कौशिक भाई साथ अमारी बात थी है। अमारी बात भारत सरकार साथ भी पहुँचाड़ी बाहेधरी आपी है सांभ्या है अमने जरूरी मार्गदर्शन आप अमारे मारो सगो भाई होवा अमे त्या जवा मांगता होने मंजूरी अपावी वीजा अपावा परमिशन की भी मांग करी है भारत सरकार की। तो अमे आशा रखिए कि अमारे कटकूक करवा आ बाबते अमार कटकूक करवा मेहरबानी कर। मोहसिन भाई अमरा सांसद जनसंपर्क कार्यालय आज सवेरे संपर्क करो एम लागण मागणी एवं है कि मारा जो भाई भाभी ने मारा परिजनों अत्यारे न्यूजीलैंड में है तेमनी बे स्पष्ट मागणी है। पहली कि एमने तत्काल वीजा आप जेथी एमना परिजनों साथे जोड़ाई शके एनी आ घड़ी में एना समय में एना दुख के पीड़ा में एमनी साथे रही शके अने त्यां स्थानिक स्तर पर एने पूरेपूरो सहयोग आपे। बीजी मागणी एनी एवी छे कि मारा परिजनों एटले मारा भाई भाभी के जे मारा परिवारना सदस्य छे एमनुं लेटेस्ट स्टेटस अमने विदेश मंत्रालयना माध्यमथी न्यूजीलैंडनी आपणी जे भारतीय एम्बेसी छे आपणे बतावा छे એમના માધ્યમથી જાણી શકાય કે એમનું લેટેસ્ટ સ્ટેટસ શું છે, હોસ્પિટલાઇઝ છે, સેફ છે, અત્યારે કઈ જગ્યાએ કયા સ્થાને છે, કોની કસ્ટડીમાં છે, કોની દેખરેખ કે સુરક્ષા હેઠળ છે। તો એ બંને દિશામાં અમે અમારા પ્રયાસો તત્કાલ રીતે વહેતા કર્યા છે। અમે વડીલને કીધું છે કે અમે ચોક્કસ વિઝા આપવામાં પણ અમે સહયોગ અમારા કાર્યાલયના માધ્યમથી કરશું।